Welcome back to English Learners, Learn Easy. आज हम बात करने जा रहे हैं हैमलेट के एक्ट वन सीन टू के बारे में, लेकिन उससे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा आपको हैमलेट एक्ट वन सीन वन, और लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि हैमलेट के एक्ट वन सीन वन नहीं करेंगे, हैमलेट के कैरेक्टर्स नहीं करेंगे, तो फिर आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। द मॉर्निंग आफ्टर होरेशियो एंड द गार्ड्समैन सी द पोस्ट, किंग क्लॉडियस गिव्स अ स्पीच टू हिज कोर्टियर्स एक्सप्लेनिंग हिज रीसेंट मैरिज टू गर्ट्रूड, हिज ब्रदर्स विडो एंड द मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। यानी कि जिस रात होरेशियो एंड गार्ड्समैन घोस्ट को देख चुके होते हैं, उसकी अगली सुबह क्लॉडियस जो है, जो कि नया किंग बन चुका होता है, क्लॉडियस एक स्पीच दे रहे होते हैं कोर्टियर्स को, अपने दरबार को यानी के, और किस बारे में स्पीच दे रहे होते हैं, उनका जो रिसेंटली मैरिज हुआ है गर्ट्रूड के साथ में, उस बारे में एक स्पीच दे रहे होते हैं। अब ये गर्ट्रूड कौन है, अगले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि गर्ट्रूड जो है वो विडो है उनकी ब्रदर, उनकी लेट ब्रदर की, और प्रिंस हैमलेट की मदर भी है। आफ्टर दैट क्लॉडियस सेज दैट ही मॉर्न्स हिज ब्रदर बट हैज चूजन टू बैलेंस डेनमार्क्स मॉर्निंग विद द डिलाइट ऑफ हिज मैरिज। यानी कि क्लॉडियस यहाँ पे एक तरह से दो फेस लेकर के चल रहे हैं, और लोगों को दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मायूस है, मॉर्न्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा मायूस है अपने भाई को खो देने के बाद, लेकिन वो साथ ही डेनमार्क को मॉर्निंग से बचाना चाहते हैं विद द डिलाइट ऑफ हिज मैरिज, एक शादी करके, अब उनकी जो विडो वाइफ थी उनसे शादी करके उस चीज़ को वो बैलेंस करना चाह रहे हैं डेनमार्क में, क्योंकि वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, वो बहुत ही शादर किस्म के इंसान हैं। ही मेंशंस दैट यंग फॉर्टिनब्रस हैज रिटन टू हिम रैशली डिमांडिंग द सरेंडर ऑफ द लैंड्स किंग हैमलेट फोन फ्रॉम फॉर्टिनब्रस फादर एंड डिस्पैचेस कॉर्नेलियस एंड वॉल्टिमेट विद अ मैसेज फॉर द किंग ऑफ नॉर्वे फॉर्टिनब्रस एल्डरली अंकल। किंग क्लॉडियस अपने कॉर्टियर्स में कह रहे हैं कि यंग फॉर्टिनब्रस ने उन्हें लिख करके भेजा है कि वो डिमांड करते हैं कि उनकी सारी ज़मीन को सरेंडर कर दिया जाए उन्हें वापस, जो कि किंग हैमलेट ने जीता था जब उनके पिता यानी कि फॉर्टिनब्रस के फादर से लड़ाई हुई थी, और जो जो लैंड उन्होंने जीता है अब वो उनको वापस मांग रहे हैं, मतलब सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि किंग हैमलेट जो है वो मर चुके हैं, इसलिए वो वापस से यंग फॉर्टिनब्रस जो है वो वापस से उस चीज़ को मांग रहा है, क्योंकि जब फॉर्टिनब्रस के फादर थे और किंग हैमलेट जब थे उन लोगों में लड़ाई हुई थी, तो किंग हैमलेट ने उनके लैंड्स को ले लिया था, जीत लिया था, हासिल कर लिया था, लेकिन अब यंग फॉर्टिनब्रस को पता चल चुका है कि किंग हैमलेट जो है वो मर चुका है, तो अब वो अपने लैंड्स को वापस मांग रहा है। एंड देयरफॉर डिस्पैचेस कॉर्नेलियस, और इसी बारे में वो जो किंग क्लॉडियस है डिस्पैच कर रहा है कॉर्नेलियस और वॉल्टिमेट को एक मैसेज के साथ में, कहाँ पे भेज रहा है वो, किंग ऑफ नॉर्वे में उनके फॉर्टिनब्रस के एल्डरली अंकल के पास। हिज स्पीच कंक्लूडेड क्लॉडियस टर्न्स टू लार्टस द सन ऑफ द लॉर्ड चेंबरलेन। नाउ हु इज द लार्टस, लार्टस कौन है, पहले तो बता दें कि स्पीच कंप्लीट करते करते वो क्लॉडियस जो है वो लार्टस की तरफ टर्न कर लेता है। अब ये लार्टस कौन है, सन ऑफ लॉर्ड चेंबरलेन, सन ऑफ लॉर्ड चेंबरलेन का बेटा है, कौन, पोलोनियस, यानी कि पोलोनियस का बेटा है लार्टस। नाउ लार्टस हिज एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू रिटर्न टू फ्रांस वेयर ही वॉज स्टेइंग बिफोर हिज रिटर्न टू डेनमार्क फॉर क्लॉडियस कॉरोनेशन। लार्टस यहाँ पे दिखा रहा है कि वो रिटर्न होना चाहता है, फ्रांस वापस जाना चाहता है, जहाँ पे वो पहले रह रहा था डेनमार्क में आने से पहले, फॉर क्लॉडियस कॉरोनेशन, क्योंकि वो डेनमार्क में आया था क्लॉडियस के कॉरोनेशन के कारण, लेकिन अब वो हो चुका है, अब वो वापस जाना चाहता है, अब वो रिटर्न होना चाहता है। पोलोनियस गिव्स हिज सन परमिशन एंड क्लॉडियस जोवियली ग्रांट्स लार्टस हिज कंसेंट एज वेल। यानी कि पोलोनियस अपने बेटे को परमिशन दे चुका होता है कि ठीक है भाई आप जा सकते हैं लार्टस,
आप फ्रांस जा सकते हैं क्योंकि आप पहले वहीं पे रह रहे थे। और क्लॉडियस जो है वो जॉवियली ग्रांट करता है उसके परमिशन को, मतलब क्लॉडियस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अब किंग हो चुका है, अब उसे इस सबसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, वो भी थोड़ा बहुत खुश होता है क्योंकि लाटस कहीं ना कहीं ये लोग आपस में एक ही जैसे थे। टर्निंग टू प्रिंस हैमलेट, क्लॉडियस आस्क व्हाई द क्लाउड स्टिल हैंगिंग अपॉन हिम एज हैमलेट स्टिल वेयरिंग ब्लैक मॉर्निंग क्लोथ्स। अब किंग क्लॉडियस जैसे ही टर्न करता है, वो देखता है कि प्रिंस हैमलेट जो कि ब्लैक मॉर्निंग क्लोथ्स पहन करके हैं, अब वो सोच रहा होता है द क्लाउड स्टिल हैंग अपॉन हिम एज हैमलेट स्टिल वेयरिंग ब्लैक मॉर्निंग क्लोथ्स, मतलब कि अभी भी ये ब्लैक कपड़ा क्यों पहन करके है। क्लाउड स्टिल हैंग मतलब अभी भी ये दुख भरा, जिसको हम लोग बोलते हैं मातम, क्यों मना रहा है अभी भी। अब तो खुशियां हम लेकर के आए हैं, शादी किए हैं गर्ट्रूड से, उसकी मदर से, तो अब तो इसको खुश होना चाहिए, सब कुछ तो ठीक हो रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन ये प्रिंस हैमलेट जो है ये अभी भी इस तरह से ब्लैक मॉर्निंग क्लोथ्स पहन करके रहेगा, तो मैं जो डेनमार्क में बैलेंस करने का कोशिश कर रहा हूँ वो तो नहीं होगा। क्लॉडियस धीरे धीरे ये बात को गर्ट्रूड तक पहुँचाता है किसी भी तरीके से, और फिर गर्ट्रूड की बारी आती है। नाउ गर्ट्रूड अर्जेस हिम टू कास्ट ऑफ हिज नाइटली कलर, यानी कि गर्ट्रूड अब अर्ज कर रही होती है प्रिंस हैमलेट से, यानी कि अपनी अपने बेटे को कह रही होती है कि अब ये नाइटली कलर मतलब नाइट का मतलब क्या होता है, ब्लैक कलर हम लोग मानते हैं, तो उसी तरह नाइटली कलर यहाँ पे बोल रहा है, ब्लैक कलर को मेंशन किया जा रहा है जो कि एक दुख भरा कलर यहाँ पे बताया जा रहा है, ब्लैक मॉर्निंग क्लोथ्स, मतलब कास्ट ऑफ हिज नाइटली कलर, यानी कि नाइटली कलर जो वो ब्लैक मॉर्निंग क्लोथ्स जो पहन करके है, जिससे सिम्बलाइज हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, अभी मातम बना हुआ है, इस तरह का सीन शॉट दिखा रहा है वो, तो वो चाहती है कि अब वो उस चीज़ को, अब वो उस चोले को उतार करके फेंक दे। और यहाँ पे शादी का माहौल हो चुका है, सब कुछ ठीक होने का कोशिश कर रहे हैं उनके हस्बैंड, न्यू हस्बैंड बेसिकली, तो वो चाहती है कि जिस तरह से डेनमार्क में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं किंग क्लॉडियस, प्रिंस हैमलेट उनके बेटे होने के नाते वो भी उनकी मदद करें बाय जस्ट वेयरिंग ऑफ द बाय जस्ट कास्टिंग ऑफ द नाइटली कलर ड्रेस। बट ही रिप्लाइज बिटरली दैट हिज इनर सोरो इज सो ग्रेट दैट हिज डॉल अपीयरेंस इज मेयरली अ पुअर मिरर ऑफ इट, मतलब वो इतना दिल से, उसका दिल इतना दुखी है, वो अंदर से इतना मायूस है, इतना सोरो में वो डूबा हुआ है। हैमलेट बता रहे हैं अपने बारे में कि वो इतना डूबा हुआ है कि उसके इस ब्लैक कलर से वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। अ पुअर मिरर ऑफ इट, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो वो अपने कपड़े से, अपने काले रंग के कपड़े से दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका दिल जो है वो और भी ज़्यादा बैठा हुआ है अपने फादर को खो देने के गम से, क्योंकि उससे पहले तो वो अपने फादर के घोष के बारे में सुन चुका है। इसलिए अफेक्टिंग अ टोन ऑफ फादरली एडवाइस, क्लॉडियस डिक्लेयर्स दैट ऑल फादर्स डाई एंड ऑल सन्स मस्ट लूज देयर फादर्स, यानी कि अब क्लॉडियस वापस से बात करने की कोशिश कर रहा होता है प्रिंस हैमलेट से, और दिखा रहा होता है एक फादरली एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और कह रहा है कि ऑल फादर्स डाई, मतलब कभी ना कभी हर फादर मरते हैं, हर पिता मरते हैं, और हर बेटे को अपने फादर को खोना पड़ता है, मतलब ये दुनियावी नियम है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉडियस यहाँ पे एक पूरा पक्का फादर बन करके एक सही एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि आगे जा कर के पता चलेगा हमें एक्ट में कि क्लॉडियस ने ही इसे मारा है, मतलब प्रिंस हैमलेट के फादर को मारा है। ही सेज दैट व्हेन अ सन लूजेस अ फादर ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू मॉर्न, क्लॉडियस यहाँ पे कह रहे हैं एक दुनियावी सच्चाई कहने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि जब एक बेटा अपने फादर को खोता है तो उसका ड्यूटी है, एक बाउंड ड्यूटी है कि उसको दुख बनाना ही मनाना होगा, ठीक है। लेकिन बट टू मॉर्न फॉर टू लॉन्ग इज़ अनमैनली एंड इनअप्रोप्रिएट, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक मौन बनाएगा, बहुत ज़्यादा देर तक शोक मनाएगा, तो वो अनमैनली कहलाता है और इनअप्रोप्रिएट कहलाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ से दुखी हैं तो आप क्या पूरे साल भर उस चीज़ को मनाते नहीं हैं, या आप किसी फ्रेंड से आप मिले नहीं तो क्या आप ज़िंदगी भर उसके लिए आप रोते रहते हैं,
खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे क्लॉडियस कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टू लॉन्ग इज़ अनमैनली एंड इनअप्रोप्रिएट। क्लॉडियस अर्जेस हैमलेट टू थिंक ऑफ हिम एज अ फादर। यहाँ पे क्लॉडियस कहना चाह रहे हैं कि हैमलेट मैं तुम्हारे फादर के ही जैसा हूँ, अब जैसा नहीं अब तो मैं तुम्हारा फादर भी बन चुका हूँ। वो ये जता रहे हैं यहाँ पे, रिमाइंडिंग द प्रिंस दैट ही स्टैंड्स इन लाइन टू सक्सीड टू द थ्रोन अपॉन क्लॉडियस डेथ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बेटा हैमलेट मैं अब तुम्हारा फादर बन चुका हूँ, और ये तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मेरा डेथ होगा तो तुम्हें ही ये सरताज मिलेगा, तुम्हें ही थ्रोन मिलेगा, तुम ही किंग बनोगे। तो अब तो तुम्हें रेडी होना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि मेरे मरने के बाद में इस लाइन में जो अभी तुम खड़े हो, एक प्रिंस के लाइन में जो खड़े हो, कभी ना कभी तुम भी वहाँ पे मेरी जगह पे आओगे, यानी कि कभी ना कभी तुम भी एक किंग बन जाओगे। विद दिस इन माइंड क्लॉडियस सेज दैट ही डज नॉट विश फॉर हैमलेट टू रिटर्न टू स्कूल एट विटनबर्ग वेयर ही हैड बीन स्टडिंग बिफोर हिज फादर्स डेथ एज हैमलेट आस्क्ड टू डू। क्लॉडियस एक बात को यहाँ पे दिमाग में रखते हुए कह रहे हैं कि हैमलेट अब आपको स्कूल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि आप विटनबर्ग में जा कर के पढ़ रहे होते थे। विटनबर्ग वेयर ही हैड बीन स्टडिंग बिफोर हिज फादर्स डेथ, मतलब अपने फादर के डेथ के पहले वो कहाँ पढ़ रहे थे, विटनबर्ग बोल करके एक जगह है, वहाँ पे स्कूलिंग करते थे, मतलब स्कूल में पढ़ते थे। एज हैमलेट एज आस्क्ड टू डू, क्योंकि उनको पहले बोला गया था कि भाई आपको वहीं पे जा कर के पढ़ना है, लेकिन अब फादर की डेथ हो चुकी है और अब क्लॉडियस चाहते हैं कि अब तुम मेरी बात मानो, और मेरा विश है कि अब तुम यहीं पे रहोगे, हम लोगों के साथ में रहोगे, हम लोगों के सामने रहोगे। इस बात में हामी भरते हुए गर्ट्रूड क्या कहती हैं। गर्ट्रूड इकोज हर हस्बैंड प्रोफेसिंग अ डिज़ायर फॉर हैमलेट टू रिमेन क्लोज टू हर। नाउ गर्ट्रूड कह रही हैं अपने हस्बैंड के साथ में, मतलब उनका हस्बैंड यानी कि जो नया किंग बन चुके हैं, क्लॉडियस जिनका नाम है, और क्लॉडियस कौन थे, जो हमारे किंग हैमलेट थे उनके ब्रदर थे। नाउ गर्ट्रूड कह रही हैं अपने हस्बैंड के साथ साथ प्रोफेसिंग अ डिज़ायर फॉर हैमलेट टू रिमेन क्लोज टू हर, वो भी चाहती हैं कहीं ना कहीं कि उनका बेटा जो है प्रिंस हैमलेट वो भी उनके सामने रहे, टू रिमेन क्लोज टू हर, उनके साथ में रहे, उनके आसपास रहे। हैमलेट स्टिफली अग्रीज टू ओबे हर। हैमलेट जो कि उनका बेटा है प्रिंस हैमलेट, तो ऑब्वियसली अपनी मम्मी की बात को उसको मानना ही पड़ेगा, जैसे कि हर एक बच्चा मानता है, लेकिन स्टिफली अग्री कर रहा है, मतलब वो दिल से नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ रहा है somehow. Now Claudius claims to be so pleased by Hamlet's decision to stay that he will celebrate with festivities and cannon fire, an old custom called the king's rouse. यहाँ पे हैमलेट जब अग्री कर चुके होते हैं, अपनी मदर की बात को मान चुके होते हैं, तब क्लॉडियस कह रहा होता है कि हैमलेट मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे डिसीजन से, और अब हमें तुमने जो डिसाइड किया है उसकी वजह से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, चलो सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिविटीज़ के बारे में। एंड कैनन फायर एंड ओल्ड कस्टम कॉल्ड द किंग्स राउस, मतलब एक पुरानी उन लोगों की प्रथा है, तो किंग्स राउस बोल करके वो लोग कैनन फायर जलाते हैं। नाउ ऑर्डरिंग गर्ट्रूड टू फॉलो हिम ही एस्कॉर्ट्स हर फ्रॉम द रूम एंड द कोर्ट फॉलोज। क्लॉडियस यहाँ गर्ट्रूड को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, एंड देयरफॉर ही एस्कॉर्ट्स हर फ्रॉम द रूम, मतलब वो एट द एंड उनको लेकर के चले जाते हैं गर्ट्रूड को उस रूम से, और बाकी के कोर्ट के लोग जो हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं। अब बेचारा हैमलेट जो है वो अकेला बैठा हुआ है, अलोन हैमलेट एक्सक्लेम्स दैट ही विशेस ही कुड डाई, दैट ही कुड इवेपोरेट एंड सीज टू एग्जिस्ट, मतलब अब वो चाह रहा है कि काश मैं मर जाऊं, काश मैं मुझे कोई उठा ले जाए, काश मेरी मौत हो जाए, काश ये हो जाए, वो बेसिकली ये विश कर रहा है कि उसे कुछ हो जाए, उसे क्यों नहीं हो रहा है, उसे कुछ हो जाए, वो इवेपोरेट हो जाए एंड सीज टू एग्जिस्ट हो जाए, किसी को दिखाई ना दे, ऐसा हो जाए उसका हालत। ही विशेस बिटरली दैट गॉड हैड नॉट मेड सुसाइड अ सिन, अभी वो चाह रहा है कि सुसाइड करना, लेकिन
उसके दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि गॉड ने तो सुसाइड को एक सिन करार दे दिया है, मतलब सुसाइड अगर कोई करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। इसलिए हैमलेट और भी ज़्यादा उदास है अंदर से, लेकिन हैमलेट कुछ कर नहीं पा रहा है। यहाँ पे ही लैमेंट्स हिज फादर्स डेथ, अपने फादर को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, वैसे ही याद कर रहा है जैसे ही अपने कोई भी छोटा बच्चा किसी चीज़ को अपने फादर को खो देने के बाद में उसको याद करता है, एक बिल्कुल छोटे बच्चे और छोटे मासूम बच्चे की तरह वो यहाँ पे उन अपने फादर को याद कर रहा है। एंड हिज मदर्स हैस्टी मैरिज टू हिज अंकल, और दूसरी ओर देख रहा है तो उसकी मम्मी जो है, उसकी जो मदर है, और हैस्टी मैरिज टू हिज अंकल मतलब उनकी जो मदर है एक नई शादी करके एक नया घर बसा लिया है अपने अंकल के साथ में, ठीक है, जिसके वजह से वो और भी ज़्यादा दुखी है। एक तो पहले ही दुख था कि उसके फादर चले गए, ऊपर से मम्मी जो है एक और बम फोड़ करके रख दी हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर दी है उन्हीं के अंकल से। ही रिमेंबर्स हाउ डीपली इन लव हिज पेरेंट्स सीम, उसको अभी भी याद है कि उनके पेरेंट्स के बीच में कितना डीप लव हुआ करता था, लेकिन अब वो उसी चीज़ को कर्स भी मान रहा है। एंड ही कर्सेस द थॉट नाउ, और अब वो उस चीज़ को कर्स मान रहा है कि यही औरत यही मदर मेरे फादर को इतना प्यार करती थी, लेकिन देखो अब तो ये उनको बिल्कुल भी याद नहीं करती है, उल्टा दूसरी शादी कर ली है। नाउ नॉट येट 2 months आफ्टर हिज फादर्स डेथ हिज मदर हैज़ मैरिड हिज फादर्स फार इंफेरियर ब्रदर, मतलब 2 महीने भी नहीं हुए किंग हैमलेट को गुजरे हुए उनकी मम्मी ने क्या किया, दूसरे आदमी से शादी कर ली। हिज मदर हैज़ मैरिड हिज फादर्स फार इंफीरियर ब्रदर, बहुत ही उम्र दराज फार इंफीरियर ब्रदर से शादी कर ली है, मतलब ज़रा सा भी क्या बोलते हैं है ही नहीं उसके अंदर में मैच्योरिटी नहीं है कि भाई 2 महीने तो हुए हैं उनके हस्बैंड को गुजरे लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हमारे इस एक्ट 1 सीन 2 में हैमलेट सिर्फ यही चीज़ सोच रहा है कि काश को मर के नहीं जा रहा, काश को इसे कोई उठा के नहीं लेके जा रहा, काश वो सुसाइड कर पाता, लेकिन सुसाइड एक सिन कमिट किया हुआ है गॉड ने, तो वो भी नहीं कर पा रहा है। उसे बार बार एक ही चीज़ दिमाग में आ रहा है कि मेरे फादर गुजर गए हैं और जो मेरी बची हुई मम्मी है वो दूसरे किसी की हो चुकी है, और किसकी हुई, एक अंकल की हुई है जो कि उनके ही फादर के कहीं ना कहीं रिलेशन से ब्रदर बनते हैं और बहुत ही उम्रदराज है, इंफीरियर ब्रदर है। ये सारी चीज़ें उनको उनके दिमाग में यानी कि हैमलेट के दिमाग में, प्रिंस हैमलेट के दिमाग में घूम रही है और एक ज्वालामुखी बना रही है। वो जस्ट एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बस मैं मर जाऊं। एक्ट 1 सीन 2 में हम लोग यही पता कर रहे हैं, हमें यही पता चला है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस वो सब घूम फिर करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि गार्ड्समैन आया, होरेशियो क्लॉडियस स्पीच दिया गया कॉर्टियस को, फिर हमारा ब्लैक मॉर्निंग क्लोथ्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा और जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करिए घर पे। आई होप आप सब सेफ होंगे। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद में मैं आपको अगले वीडियो में देखूँगी एक्ट 1 सीन 3 के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ट्यून एंड लव यू बाय। हे वेट वेट वेट, don't forget to subscribe and press the bell icon, it's very very compulsory, you have to do it, seriously ye zaruri nahi hai, agar aapko pasand aayi ho to hi subscribe ka button dabaye aur notification bell ko press kar de, thank you।